करते हुए आज यहाँ पर उपस्थित हैं। और विषय ज्ञान सूक्त है, जो आप लोगों को पता ही है कि ऋग्वेद के दशम मंडल का 71वां सूक्त है। इसमें कुल मिलाकर 11 मंत्र हैं, और जैसा कि इसका नाम है, ज्ञान इसका देवता है, इसलिए इसका नाम ज्ञान सूक्त प्रचलित हुआ। वैसे इसके ऋषि जो है वो बृहस्पति हैं। बृहस्पति और ब्रह्मणस्पति दो ऋग्वेद में देवता या ऋषि नाम है, जो दोनों ही वाणी या ज्ञान के देवता हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति आंगिरस देवता बताए ऋषि बताए गए हैं, जो कि बृहताम पाता से बनेगा, यानी कि जो वाणी या ज्ञान के ही अधिष्ठाता है, ऐसे बृहस्पति। आप लोग जानते ही होंगे कि बाद में ये देवों के आचार्य गुरु भी बने बने। और इसका जो विषय है या जो इसका देवता है वो ज्ञानम है। कौन सा ज्ञान? तो बृहद देवता ने कहा है परब्रह्म ज्ञानम। परब्रह्म ज्ञान जो परम पुरुषार्थ का साधन है। वैसे ये ना भी कहा जाए तब भी, ज्ञान सिर्फ कहा जाए तब भी ठीक है, कि ज्ञान की यहाँ पर प्रशंसा है, ज्ञान का वर्णन है, जो कि सभी तरह का ज्ञान हम उसमें समाहित करेंगे, चाहे वो सांसारिक हो, चाहे वो पारमार्थिक हो, चाहे वो कुछ और हो। यहाँ पर विशेष रूप से वेद के मंत्रों का जो अर्थ ज्ञान है उसको लिया जाएगा। तो ऐसा जो वेदार्थ ज्ञान है उसकी प्रशंसा सूक्त में की जाएगी। और 11 मंत्र हैं इसके, गायत्री। इसमें छंद जो है वो जगती और त्रिष्टुप छंदों का प्रयोग हुआ है। तो एक बहुत ही अच्छा मंत्र या सूक्त कहेंगे हम, जिसमें ज्ञान के साथ साथ और भी बड़े सारे विषय हैं। क्योंकि ज्ञान के साथ आप सबसे पहले तो हम वाणी को स्मरण करते हैं या वाक को स्मरण करते हैं, क्योंकि जो ज्ञान होता है वो वाणी में होता है, वाक में होता है। तो इसलिए वाक के साथ ज्ञान का क्या संबंध है वो यहाँ पर बताया जाएगा। फिर वाक खाली कुछ नहीं करता, उसके पीछे मन होता है, तो इसलिए मन से उसका क्या संबंध है ज्ञान का, उसकी बात भी यहाँ पर की जाएगी। फिर ज्ञान की प्रशंसा के मंत्र होंगे, फिर उसके बाद ज्ञान के स्तर होंगे, समझने के स्तर होंगे। कई सारे विषय हैं यहाँ पर, 9 मैंने देखा है, 9 विषय हैं और 11 मंत्र हैं। और इस तरह से ये सूक्त जो है बड़े सुंदर तरीके से, इसमें अलंकारों का प्रयोग, मुहावरों का प्रयोग, बहुत ऐसी सूक्तियों का प्रयोग भी इसमें हमें प्राप्त हो रहा है। जो पहला मंत्र है, अगर आपने देखा हुआ है, तो उसमें एक, उसको हम कह सकते हैं कि उसमें वाणी या वाक के स्रोत या प्रादुर्भाव का चित्रण किया गया है। बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रम यत् प्रेरत नामधेयं दधानः यदेशां श्रेष्ठम अरिप्रमासीत प्रेरणा तदेशां निहितं गुहाभिः। यहाँ पर बृहस्पते संबोधन है, मतलब इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो ऋषि बृहस्पति हैं वो स्वयं से कह रहे हैं, अपने आप से बैठे बैठे मुस्कुराते मुस्कुराते कह रहे हैं कि ये जो बालक हमारे सामने बैठे हुए हैं ब्रह्मचारी, जिनको मैं पढ़ाया करता हूँ, जो मंत्रों को और उनके ज्ञान के अर्थ, उनके अर्थों को अच्छे से जान रहे हैं आज, ये वही बालक हैं जो एक समय पदार्थों को नाम दिया करते थे, यानी वस्तुओं को, दुनिया की जो चीजें दिखाई देती थी उनको नाम दिया करते थे, उनकी संज्ञाएं दिया करते थे। और जो वो देते थे ना संज्ञा या नामधेय करते थे, वही तो वाणी का प्रथम रूप है। आप याद करिए, हम सब लोगों को, खुद अगर तो याद नहीं होगा, लेकिन अपने बच्चों को हमने देखा है, जब वो बोलना शुरू करते हैं तो पहले संज्ञाओं को बोलते हैं, जो प्रॉपर नेम्स होते हैं उनको बोलते हैं, चंद्रमा, पृथ्वी, पेड़, फूल, दूध, तो शब्दों को बोलते हैं। तो वही वहां पर कह रहे हैं, ये वही बालक हैं जिन्होंने जब बोलना शुरू किया तो वाणी का, इन्होंने पदार्थों को नाम दिया, शब्द संज्ञाओं का प्रयोग किया। और आज आज ये है कि इतना ज्यादा इनके अंदर जो ज्ञान था, गुहा में निहित था, जो इनकी बुद्धि रूपी गुहा में निहित जो ज्ञान था, वो
वो धीरे 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 वेदाभ्यास के द्वारा, सरस्वती के प्रेम के द्वारा, या कि वेद के अर्थों के प्रति प्रेम के कारण से अब प्रकट हो गया है। अब ये इतने अच्छे ज्ञानी ब्रह्मचारी बन गए हैं, वेदों को समझते हैं, वेदों का को करते हैं। तो इस तरह से वो कैसे वाणी का प्रारंभ होता है और कैसे वाणी माध्यम बनती है समस्त ज्ञान को ग्रहण करने का, इस बात का चित्रण इसमें किया गया है, जो कि खुद बृहस्पति ऋषि बैठे बैठे स्वयं से कह रहे हैं। जो दूसरा मंत्र है उसमें वाणी का संबंध बताया गया है मन के साथ, और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। हो सकता है आप नहीं हो, इसमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारी वैदिक संस्कृति भी दिखाई देती है, जो गर्मी के मौसम में सत्तू खाते हैं गांव के लोग, शहर के लोग भी आजकल, जो कि भुना हुआ अनाज होता है, या तो गेहूं का या यव का यानी जौ का, तो उसको जब भून के पीस लेते हैं तो उसके बाद भी उसको छाना जाता है, और छान कर फिर उसमें मीठा कुछ गुड़ या शहद मिलाकर उसका प्रयोग किया जाता है। तो वो सूक्त में कहा गया, सत्तुमिव तितोना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम अकृत। जब सत्तू का प्रयोग करना होता है तो उससे पहले उसको छन्नी से छानते हैं, क्योंकि कोई अगर मोटा दाना होगा तो दांत में फंस जाएगा, तो छन्नी से छान के, तितो माने छन्नी, छनने से छान के सत्तू का जैसे प्रयोग करते हैं, वैसे ही जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो मन से छान कर वाणी का प्रयोग करते हैं। मन से छान कर वाणी का प्रयोग करते हैं, यानी मन से उसको टटोल कर, मन से उसका टेस्ट करके, उसका मेजरमेंट करके तब वाणी का प्रयोग करते हैं। यानी बोलने के पहले मन को आना है, मन पूर्वक बोलना है, मन को पूर्व में रख के फिर वाणी का प्रयोग करना है। जल्दी में नहीं बोलना है, जल्दी में बोलने का मतलब है कि हमने वाणी पहले बोल दिया, बाद में सोचा ओ ये तो गलत हो गया, ये नहीं बोलना चाहिए था, ये तो गलत हो गया, फिर पछताएंगे, फिर बोलेंगे ये मतलब नहीं था हमारा, ये मतलब नहीं था। तो यहाँ स्पष्ट किया गया है कि मन को पहले लाना है और वाणी का प्रयोग करना है। और आप सब जानते हैं कि वाणी जो है वो एक कर्मेंद्रिय है, और मन जो है वो अंतःकरण है हमारा, उससे ऊपर की अंतर इंद्रिय है, लगाम भी इसको कहते हैं। तो मन का कार्य है कि इंद्रियों को वश में रखे, तो पहले इंद्रिय नहीं आएगी, पहले मन जैसा आदेश देगा वैसा इंद्रिय कार्य करेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह बताया गया कि मन को पहले टेस्ट, मन से टेस्ट करके जांच कर वाणी का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्या अच्छाई होगी, सखाया सख्या नहीं जानते, वहां पर ही तो सखा सखा सखे को जानते हैं, सिंपल अर्थ है तो मित्र मित्रताओं को जानते हैं, मित्रों की मित्रताएं बनी रहती है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि वो हर्ट नहीं होगा, सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा और मित्रता बनी रहेगी। लेकिन वेद में यहाँ पर इसका कुछ गहरा गहरा अर्थ भी ले सकते हैं। सखा जो है वो ख्याल ख्यान वाले को भी कहते हैं, ज्ञान, जैसे एक कक्षा में लोग पढ़ते हैं ना, जो क्लासमेट होते हैं उनको सखा कहा गया है वेद में, जिनको कि गुरुजी समान रूप से ज्ञान दे रहे हैं, समान ख्यान, सब कुछ उनको समान कहा जा रहा है, उनकी टीचिंग इक्वल हो रही है, 40 लड़के हैं सबको गुरुजी समान रूप से बता रहे हैं, तो वो सखा कहलाते हैं। वो ऐसे सखा सखी को जानते हैं, यानी कि मंत्रों में निहित अर्थ को तब समझ पाते हैं जब वो इस तरह से मन पूर्वक वाणी का प्रयोग करते हैं। दोनों अर्थ ले सकते हैं, वो साधारण अर्थ है, ये गहरा अर्थ है। और ऐसे लोगों में जो कि मन से टटोल कर वाणी का प्रयोग करते हैं, भद्रा लक्ष्मी निहित होती है। भद्रा माने कल्याणकारिणी, और लक्ष्मी माने जिसमें लक्ष्म होता है, कोई चिन्ह होता है, कोई निशानी होती है, कोई पहचान होती है, समथिंग डिफरेंट जिसको कहते हैं, समथिंग डिफरेंट, वो औरों से अलग दिखाई देती है, ऐसी वाणी जो मन से पहले टटोल कर, मन से छान कर जिस जहां पर वाणी का प्रयोग होता है, उसकी वाणी एक अलग प्रकार की दिखाई देती है, औरों की तरह साधारण वाणी नहीं होती है, और उसमें एक पहचान होती है, उसमें कल्याण की भावना होती है। यहाँ पर लक्ष्मी वो लक्ष्मी नहीं है जो बाद में लक्ष्मी
मानी गई है, उनसे यहाँ कोई लेना नहीं देना नहीं है। लक्ष्य मतलब चिन्ह होता है, एक पहचान है, चिन्ह से युक्त होती है, दैट इज ए डिस्टिंग्विश्ड वाक, मतलब एक अलग तरह की वाणी होती है, अलग तरह की उनकी बोली होती है। जैसे हम बहुत से विद्वानों को देखते हैं जो हमारे आसपास भी होते हैं, तो उनकी वाणी को हम कहते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत शुद्ध साफ बोलते हैं, उस तरह की बात यहाँ पर संकेत की गई है। तो ये दूसरा मंत्र था जिसमें कि मन से वाणी के संबंध को बताया गया है, क्योंकि मन तो होना ही चाहिए वाणी के पीछे, उसको कंट्रोल करने के लिए, और तभी वो वाणी ज्ञान जो अंदर निहित है, गुहा में प्रविष्ट है, बुद्धि में प्रविष्ट है। वैसे एक बात है जो कि गुरु अगर पढ़ा रहा है तो सभी बच्चे बराबर नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो जो पढ़ा रहा है, जो टीचिंग कर रहा है, वो तो शिक्षा है। शिक्षा जो है वो एक पद्धति, एक तरीका है, पढ़ाना जो एक तरीका है, और जो अंदर निहित होता है, बुद्धि जो अंदर होती है व्यक्ति की, बच्चे की या व्यक्ति की, वो अपने प्रकट करते हैं गुरुजी, जिसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जमीन में 10 अंग बीज बोए गए, उनमें से कुछ बीज बहुत अच्छे से अंकुरित हुए और बड़े बड़े पेड़ बन गए, कुछ सूख भी गए, कुछ थोड़े दूर तक बड़े हुए। तो ये अंकुरण जो है, जिसको पोटेंशियल कहते हैं, बुद्धि तो सबकी ईश्वर प्रदत्त है या की प्रकृति प्रदत्त है, अपने से है, शिक्षा उसको बाहर लाने का एक तरीका होती है। तो इसलिए ये जो गुरु जी हैं, वो जहां पर इस तरह से बच्चे पढ़ पाते हैं वाणी का सही प्रयोग करते हुए, वहां पर वो ज्ञान की अभिव्यक्ति अच्छे तरह से कर सकते हैं। तीसरा मंत्र भी एक बहुत विशेष मंत्र है, जिसमें वाणी और ज्ञान और यज्ञ का संबंध बताया गया, वाणी का यज्ञ से संबंध बताया गया। यज्ञेन वाचा पदवियमायन ताम अन्ववृंदन ऋषिषु प्रविष्टाम। यज्ञ कर करके वाणी की पदवी को प्राप्त हुए, पदवी माने मार्ग होता है, वाणी के मार्ग को प्राप्त हुए, अर्थात जब उन्होंने मंत्रों को गुरु जी से पढ़ लिया, अब उसका मंत्रों का यज्ञ में प्रयोग करना है। जब उन्होंने यज्ञ में उसका प्रयोग करना शुरू किया, अब उनको और अच्छे तरह से वो मंत्रों का अर्थ समझ में आ रहा है, उन मंत्रों में क्या कहा गया है, ऋषियों के द्वारा क्या अभिप्रेत है, उसका क्या अभिप्राय गुरु ऋषियों ने उसके अंदर डाल के वो मंत्र प्रकट किया है, वो अब स्पष्ट होने लगता है जब वो उसका प्रयोग करने लगते हैं, कर्मकांड उसके साथ कर्म को करने लगते हैं। तो यज्ञ के द्वारा वाणी के पदवी को प्राप्त हुए, और देखिए अगली लाइन, ताम ऋषिषु प्रविष्टाम अन्विंदन, ऋषियों में प्रविष्ट उस वाणी को, ताम स्त्रीलिंग है वाणी के लिए, वाक के लिए, ऋषियों में प्रविष्ट उस वाणी को उन्होंने जान लिया, खोज लिया, अन्वविंदन मतलब रिसर्च कर लिया, उसको पा लिया, खोज लिया। हम लोग अक्सर बोलते हैं ना, ऋषियों ने मंत्रों को प्रकट किया, प्रादुर्भूत किया, प्रकट किया, प्रणयन किया, लिखा नहीं, वो यहाँ पर उसी वही बात लिखी हुई है। लोग कहते हैं तुम अपने मन से बोलते हो क्या? नहीं, वेद स्वयं कहता है ऋषियों में प्रविष्ट उस वाणी को, ऋषियों का जो अभिप्राय था, उन्होंने जिस अभिप्राय से वो मंत्र प्रकट किया, अग्नि मेढ़े पुरोहितम देव, वो सब अभिप्राय हमें नहीं समझ आता है, लेकिन जब हम उसको अच्छे से गुरु जी से समझ लेते हैं, फिर उसका साथ में यज्ञ में प्रयोग भी करने लगते हैं, करते नहीं है एक बार नहीं, दो बार नहीं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, तो एक दिन वो हमें स्वयं अर्थ प्रकट कर देता है। कौन सा अर्थ? जो कि ऋषि ने उसमें अभिप्रेत था, जो कि ऋषि ने उसमें डाला था, उसको वो खोज लेते हैं। ताम अन्वविंदन ऋषिषु प्रविष्टाम, ऋषियों में जो प्रविष्ट ज्ञान था उसको वो खोज लेते हैं। ये वो हाई लेवल के वेद के अर्थों को जानने वाले विद्वानों की बात हो रही है। और खोजने के बाद ताम आभृत्य व्यदुदु पुरत्रा, फिर वो सब लोगों को उसको फैलाते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, और वही तो आज तक चल रहा है। आगे की पंक्ति में कहा गया, ताम सप्त रे भावि सम नवंते, सप्त जो गाने वाले हैं वो वही तो गाते हैं, छंद भी ले सकते हैं, 7 छंद वही तो गाते हैं, या अभी सब कोई वही तो गाते हैं, जो ऋषियों ने अभिप्रेत रख के, अर्थ को अब उसमें रखकर
मंत्रों को बोला था वाणी के रूप में, क्योंकि प्रकट तो वाणी ने किया ना, तो वाणी के द्वारा जो बोला गया था उसके अंदर वो ज्ञान क्या था, वो ज्ञान किसने पहचाना? ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी, ऐसे विद्वानों ने पहचाना जो कि बहुत उसको कर्मकांड भी करने लगे, ज्ञान कांड कर्म कांड सब कुछ करने लगे, पूरी तरह से वेद का की पद्धतियों का सदुपयोग करने लगे। अब वो उसके अर्थ को पहचान गए, उन्होंने उसका प्रचार भी किया और आज तक हम वही तो कर रहे हैं, वही संप्रदाय से यहाँ तक आ रहा है। तो ये मंत्र एक बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, यज्ञेन वाचा पद्वीमायन की। एक तो उसका मंत्र का यज्ञ से क्या संबंध है, और दूसरा जो मैंने बताया ऋषियों में प्रवेशित वाणी, इसके लिए आप इसको उद्धृत कर सकते हैं कि कहीं कभी भी कोई प्रश्न करा जाए कहाँ लिखा है कि ऋषियों ने प्रकट किया, तो वो यहाँ पर हमें उसका एक रेफरेंस मिल रहा है। जो चौथा पांचवा और छठा मंत्र है ये एक विषय को लेता है, और वो विषय है मुख्य प्रतिपाद्य ज्ञान सूक्त का, जो मैंने शुरू में बताया कि ज्ञान की महिमा गाई गई है इस सूक्त में। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम यह विद्यते, सूक्ति भी एक है जो संस्कृत में है। तो ज्ञान जो है उस वेद का ज्ञान, वेद के मंत्रों का ज्ञान, कौन सा ज्ञान, साधारण ज्ञान नहीं, जो वेद के मंत्र हैं उनका जो ज्ञान है, उनको जानने का महत्व तो क्या है, वो यहाँ पर तीन मंत्रों में बताया जाएगा। और जो उसका अपोजिट है वो न जानना है, जो उसको नहीं जानता है, तो नहीं जानता है अर्थ तो फिर करता क्या रहता है, तो करता ये रहता है कि वो मंत्रों को रट लेता है और रट रट के उसको बस बोलता रहता है, बोलना आता है उसको, रट लिया है उसने और वो मंत्रों को बोलता है, लेकिन वो सोचता है कि उसे वेद वेद उसको आ गया, तो वेद स्वयं कह रहे हैं वेद के ऋषि की नहीं ऐसे नहीं आया। जो केवल पाठक है, केवल रटंत है, केवल रट के चल रहा है, केवल बोलता रहता है, केवल जप करता रहता है, वो व्यक्ति तो अज्ञानी है। जो ज्ञान है, जो उसके अर्थ को जानता है, वो प्रशंसनीय है, और उसी के स्तवन के लिए हम यहाँ पर ये मंत्र बता रहे हैं। भाषा भी इसकी बहुत अलंकारिक है, आप उसके इसको शायद सुना हो, निरुक्त जो पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं उसमें इनको कोट किया गया है। निरुक्त में यास्क ने इन मंत्रों को उद्धृत किया है, और ये दिखाने के लिए कि वेद के मंत्रों का अर्थ होता है और अर्थ को जाना जाना चाहिए। एक वहां पर प्रसंग है निरुक्त में, कौत्स ऋषि है, कौत्स ऋषि कहते हैं कि नहीं, निरर्थका ही मंत्र, मंत्र जो है उनका अर्थ नहीं होता, उनको बस याद करके पढ़ना है और जपना है और उतने से ही पूरा फल प्राप्त होता है, ये कौत्स कहते हैं। और वहां पर उसके उन्होंने बड़े सारे तर्क भी दिए हुए, कई प्रमाण दिए हुए। फिर यास को उसका उनको काटते हुए उत्तर देते हैं, एक एक उनके जो बात उन्होंने उठाई थी उसका एक एक का उत्तर देते हैं, और फाइनली ये सिद्ध करते हैं कि मंत्र जो है वो सार्थक है, मंत्रों का अर्थ होता है और अर्थों को जाना जाना चाहिए, बिना जाने मंत्रों के अर्थ का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं है। तो निरर्थका ही मंत्र वाला जो वहां पर प्रकरण है यास्क का निरुक्त में, उसमें ये वाले मंत्र उद्धृत किए गए हैं, उन्होंने वेद के ये मंत्र उद्धृत किए। उत्तत्व पश्यन् न ददर्श वाचम्, उत्तत्व श्रुण्वन् न श्रोत्ये नाम, उत्तो त्वस्मै तन्वं विसृंशे जायेव पत्ये उशति सुवासा। त्व का मतलब एक होता है, कोई एक है जो कि वाणी को देखता हुआ भी नहीं देखता है। देखिए कितने अच्छे से उसने मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया कि वाणी को देखता हुआ भी नहीं देखता है, मंत्र को सुनता हुआ भी उसको नहीं सुनता है, यानी कि उसके कुछ जैसे कि सड़क पे चलता हुआ भी नहीं देखता है तो पत्थर पत्थर से ठोकर खा जाता है। फिर उत तो श्रुण्वन् न श्रोते ना, सुनता हुआ भी नहीं सुनता है, कान तो खुले हुए हैं, साफ भी हैं, ठीक भी हैं, लेकिन उधर से आवाज जो आ रही है वो सुन नहीं रहा है, सुनता हुआ भी नहीं सुनता है। तो इसका अभिप्राय क्या है, क्यों नहीं सुनता है का मतलब है जो सुनने का फल होना चाहिए ना वो उसे वो प्राप्त नहीं करता है। जैसे उसको मना किया जा रहा था आगे गड्ढा है मत जाओ, वो सुन ही नहीं रहा है तो जाके गड्ढे में गिर जाएगा। अगर वो देखता हुआ भी नहीं देख रहा है, कार आ रही है सामने से नहीं देख रहा है, आंखें खुली हुई है फिर भी नहीं देख रहा है, तो
जो देखने का फल है वो प्राप्त नहीं करता है, ये अर्थ हुआ। जो सुनने का फल है वो प्राप्त नहीं करता है, तो ना सुनने का फल प्राप्त करता है ना देखने का फल प्राप्त करता है, यानी कि उसका देखना और उसका सुनना व्यर्थ जाता है। जैसे वो व्यर्थ जाता है वैसे ही उस व्यक्ति का मंत्रों को रटकर बोलते रहना, जिसके अर्थों का वो कुछ मतलब उसको नहीं है पता, तो वो निरर्थक है, व्यर्थ ही होता है, उसका कोई लाभ नहीं होता, वो अज्ञानी है, केवल पाठक है, वो निंदनीय है, ये इन्होंने बताया। और फिर कहते हैं कि एक दूसरा है इसके विपरीत, जो कि अर्थ जानने में प्रयत्नशील है, अर्थों को जानने का प्रयास करता है, तो उसके लिए उपमा बड़ी अच्छी सी दी गई है कि उसको, उसके लिए वाणी स्वयं को खोल देती है, अपने अर्थों को स्वयं प्रकट कर देती है, जैसे कि कोई पत्नी पति के लिए अपने आप को समर्पित कर देती है। तो ये जो एक ज्ञान की प्रशंसा और एक तरफ अज्ञान की निंदा, इस तरह का ये एक मंत्र था। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, उत्तत्व सखे स्थिर पीतमाहो नयनम हिन्वन्ति अपि वाजिनेषु अधेन्वा चरति मायया एष वाचम शुष्वान अफलाम अपुष्पाम। ये जो व्यक्ति है जिसने की ज्ञान अर्थों को नहीं जाना और जिसने अर्थों को जाना, दोनों में दोनों का डिफरेंस बता रहा है। जिसने अर्थों को जाना, विज्ञात अर्थ है, जो विज्ञात अर्थ है, जो अर्थों को जानता है, उसको तो हम स्थिर पीत कहते हैं। स्थिर पीत, देखिए आप, वेद का ऋग्वेद में प्रयोग हो रहा है और आज तक हम भाषा में इसका प्रयोग करते हैं। स्थिर है पिया हुआ जिसका, यानी कि जैसे उसने कुछ पिया और यहाँ गले तक जाके वो स्थिर हो गया, मतलब कि बिल्कुल अच्छे से कंठाग्र हो गया, जिसको कंठाग्र भी कहते हैं, या जिसको हम हिंदी में और मुहावरे में बोल देते हैं कि घोटा लगा के पी गया, घोटा लगा के पी गया, मतलब पूरा उसने रट अच्छे से समझ के उसको, और अब जब कोई जरूरत पड़ेगी वो फटाफट वो मंत्र सुना सकता है, उनके अर्थों को बता सकता है। तो एक को तो हम ऐसा कहते हैं कि वो स्थिर पीत है, क्योंकि उसने अर्थों को बहुत अच्छे से जाना हुआ है। और ना एनम हिन्वंती अपि वाजिनेषु, जब वो कहीं जाता है, किसी सभा में जाता है, किसी विद्वानों की सभा में जाता है, कोई परिचर्चा हो रही है, कोई परिसंवाद हो रहा है, डिबेट हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी दूसरों से हारता नहीं है, वो तो पूरा रिफरेंस समेत, अर्थ समेत बात करता है ना, तो इसलिए वो ना हिन्वंती कभी भी पिछड़ता नहीं है, हारता नहीं है। और जो दूसरा है जिसने कि अर्थों को याद नहीं किया, सिर्फ रट के घूमते रहते हैं, तो उनका क्या हाल होता है? कहते हैं उनका हाल तो ऐसा है जैसे कि बिना गाय के घूम रहा है, लेके नकली गाय को घूम रहा है, माया की से बनी हुई गाय को लेके घूम रहा है, अधेनु को लेके घूम रहा है, मतलब गाय नहीं है, कोई नकली गाय है, या कि अधेनु, इन्होंने शब्द इस तरह के लिखे हैं, माया नकली, माया से बनी हुई है, मतलब जैसे गाय है नहीं, लेकिन वो सोच रहा है हम तो गाय को घुमा रहे हैं, हम तो गाय को चरा रहे हैं, और शाम को जब दूध लेना होता है तो वो दूध तो देती नहीं है, क्योंकि वो तो गाय है ही नहीं। तो वो सारे टाइम मंत्रों को ऐसे रट के घूमता रहता है और उसका कोई अर्थ नहीं जानता, तो वो जैसे नकली गाय के साथ कोई विचरण करता है और उसका दूध इत्यादि फल प्राप्त नहीं कर पाता। तो अफलाम अपुष्पाम वाचम शुश्रुवान कहा है, जो दास, डॉक्टर दास ने सुबह अभी शुरू शुरू में बताया था, बिना फूल और बिना फल की वाणी को सुनता है वो वाणी तो सुन रहा है, कानों में शब्द और मंत्र तो उसके जा रहे हैं, लेकिन ना तो उसमें फूल है और ना तो उसमें फल है। फूल क्या है और फल क्या है? दो तरह के अर्थ होते हैं मंत्र में, एक तो होता है यज्ञ परक अर्थ, एक होता है देवता परक अर्थ। तो ना तो उसे यज्ञ परक अर्थ समझ में आ रहा है, ना उसको देवता परक अर्थ समझ में आ रहा है, उसको तो अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए उसका निष्फल हो रहा है, सब कुछ उसका निष्फल हो रहा है। तो दोनों का कंपैरिजन किया गया, ज्ञान की प्रशंसा और अज्ञान की निंदा, इस तरह से ये मंत्र यहाँ पर रखे गए और अलंकारिक रूप में रखे गए, और एक नया शब्द दिया गया जो विज्ञात अर्थ है, अर्थों को जानने वाला है, वो वास्तव में स्थिर पीत है, उसने जो पिया हुआ है वो स्थिर हो गया है। जैसे आपने गीता में भी शब्द का प्रयोग सुना है, स्थित प्रज्ञ, जिसकी प्रज्ञा स्थित हो गई है, थोड़ा सा फर्क है लेकिन भाव वही है कि बिल्कुल
समझदारी से उसको नॉलेज को जो उसने इकट्ठा किया उसको उसने अपने अंदर स्थापित भी कर लिया है, और मैं आता है तो उसका सदुपयोग भी करता है, उसका उसको प्रकट भी कर सकता है। इसी क्रम में छठा मंत्र भी ज्ञान की प्रशंसा और अज्ञान की निंदा में आ रहा है। यस्तित्या सचिविदं सखायम न तस्य वाच्यपि भागोस्ति यदीं श्रोति अलकं श्रोति नहि प्रवेद सुकृतस्य बन्ता। ये जो व्यक्ति होता है जो कर जो कि ज्ञातार्थ है, जो कि अर्थों को जानता नहीं है, वो सचिविद सखा को छोड़ देता है। जो वेद का अध्येता है, वेद को पढ़ने वाला है, वेद के अर्थों को जानने वाला है, उससे तो वो उसका उसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा मित्र तो उसका मित्र बनता ही नहीं है। न तस्य वाचि अपि भागो अस्ति, वाणी में भी उसका कोई भाग नहीं होता है, वो तो जो सुन रहा है वो अलग सुन रहा है, व्यर्थ ही सुन रहा है, झूठा ही सुन रहा है, असत्य ही सुन रहा है, और वो सुकृत के पंथ को भी प्राप्त नहीं करता है। तो ये कोई इसमें विशेष बात नहीं बताई गई, सिर्फ यही बताया गया कि जो अर्थों को नहीं जान रहा है वो किस प्रकार से निंदनीय है, और वो कोई भी लाभ या फल को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अगर वो अर्थों के जानने से ज्यादा महत्व देता है उनको याद करके रटने का, क्योंकि कभी कभी ऐसी बीच में पता नहीं वेद में तो इस जब लिख रहे हैं उस समय तो ऐसा नहीं होगा जब ऋग्वेद की बात हो रही है, लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे पंथ हैं, जैसे तंत्र में भी होता है कि मंत्रों को पढ़ के जपने से फायदा होगा। अब कुछ उसका अर्थ समझ में आए या ना आए, कुछ मंत्र तो ऐसे भी होते हैं जिनका अर्थ भी नहीं होता, उनको जपने से उनका फल या उनकी प्राप्ति होती है। तो जो इस तरह की बात है वो वेद के कम मंत्रों पर नहीं लागू होती है। ये ऋग्वेद ने स्वयं स्पष्ट किया है कि वेद के अर्थों को जानने से ही उनका फल मिलेगा, बिना अर्थ को जाने उनका पाठ करने से पढ़ने से कोई फल प्राप्त नहीं होगा। तो ये एक बहुत अच्छा सा प्रसंग था, प्रकरण था जो यहाँ पर कहा गया। और जो निरुक्त है, निरुक्त में यास्क ने एक बहुत अच्छा सा लिखा है, श्लोक या मंत्र तो नहीं कह सकते, पद्य लिखा है कि स्थाणुयम भारहारा के लाभु आदित्य वेदम न विजानाति योर्था युअर्थगेति सकलम भद्रम अश्नुते नाकमेति ज्ञात विधूत पापमा। स्थाणुरयम भारहारा के लाभु, जो ऐसे सारी मंत्रों को उठाकर रटकर घूम रहा है सारे टाइम, पाठक है जो कि जप रहा है या रट रहा है या जिसने याद कर लिया, केवल पाठक है जिसको अर्थों का नहीं पता, तो वो एक भार उठाने वाले गर्दभ के समान है, भार उठाने वाले गधे के समान है। अब जो गधे की पीठ पर भार रखा हुआ है, एक बोरे में रखा हुआ है, उसको इससे कोई मतलब नहीं कि चंदन रखा हुआ है कि ईंटे रखे हुए हैं कि क्या रखा हुआ है, उसको तो उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है, वो तो उठा के जहां ले जाना है वहां तक ले जाएगा और डम कर दिया जाएगा। तो जैसे उसको उसका कोई फल नहीं मिलने वाला है, वैसे ही इसका हाल हो रहा है जो कि स्थाणु रेम भार हारा की लाभूत, भार उठाने वाले के समान है। स्थाणु भी ठूठ को कहते हैं, वो भी ले सकते हैं, एक सूखा हुआ पेड़, एक लकड़ लगा हुआ है, ना तो उससे किसी को छाया मिलती है, ना उसमें फल आते हैं, ना फूल आते हैं, ना कुछ और होता है। तो ऐसा जैसे स्थाणु निरर्थक है, जैसे ये भार हार का हाल है कि उसको उसका कोई फल प्राप्त नहीं होने वाला, वैसे ही उस व्यक्ति का हाल होता है। ये निरुक्तकार ये इन मंत्रों के आधार पर कह रहे हैं। और इसके विपरीत जो होता है, उसके अर्थों को जानता है, वो सारे पापों को नष्ट करता हुआ नाक को प्राप्त करता है, स्वर्ग को प्राप्त करता है, भद्रता को प्राप्त करता है। तो ये दोनों का कंपैरिजन, दोनों का भेद यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट करने का, खुद अपना एक श्लोक मंत्र और भी एक दो मंत्र उन्होंने पद्य वहां पर लिखे। आपका जो सिक्स्थ विषय हम उठाएंगे इस ज्ञान सूक्त में, वो भी एक बड़ा रोचक विषय है। और छठा जो विषय है वो अब ज्ञान और अज्ञान की बात नहीं ना करते हुए ऋषि कह रहे हैं, बहुत साइकोलॉजिकल, जो मनोवैज्ञानिक है और शिक्षा पद्धति से जुड़ा हुआ भी है, कि बुद्धि के स्तर बराबर नहीं होते हैं।
जैसा कि पहले थोड़ा सा हमने बात किया था कि गुरु तो एक ही पढ़ा रहा है, 50 लड़कों को पढ़ा रहा है, लेकिन सब लोग बराबर बराबर नहीं समझ रहे हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है, उस पर ये प्रकाश डालता है। अक्षणवंता कर्णवंता सखायो, मनोजवेशु असमा बभुवो। आंख वाले हैं, कान वाले हैं, सखा भी है। सखा का मतलब वही कि एक क्लास में बैठकर समान रूप से एक गुरुजी से ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, समान रूप से ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। और कान भी उनके सबके लगे हुए हैं और उनकी आंखें भी लगी हुई है, सारी इंद्रियां सबके बराबर हैं, जैसे सबको मिली है वैसे उनको भी, सबको एक बराबर मिली हुई है। लेकिन जो वो ग्रहण कर रहे हैं गुरु से, ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं, मनोजवेशु असमा बभू, क्योंकि मैं बात हो चुकी है कि इंद्रिय के साथ उसके पीछे उसका मन की शक्ति होनी चाहिए। अगर मन नहीं है तो दिखने दिखाई भी नहीं दे रहा है, सुनाई भी नहीं दे रहा है, तो वहां पे क्लास में भी बैठकर उसको ना ग्रहण हो रहा है, ना कुछ समझ में आ रहा है, ना कुछ दिमाग में स्मरण में रख रहा है वो। तो मनोजवेशु असमा बभू, मन के वेगों में असमान होते हैं वो, बराबर नहीं होते मन के वेगों में, मतलब ग्रहण करने की ताकत उनकी बराबर नहीं होती है। ठीक है, बिल्कुल साइकोलॉजिकली प्रवेश सक्सेना जी अक्सर आईक्यू की बात करती हैं, वो आईक्यू भी यहाँ पर है कि अलग अलग स्तर की बुद्धियां होती हैं। बुद्धि तो गुरु जी नहीं बना रहे ना, गुरु जी तो उसको प्रकट करवा रहे हैं, बुद्धि का आविर्भाव कर रहे हैं शिक्षा के माध्यम के द्वारा, और वो तो उसको जितनी बुद्धि है उतनी उसको कर सके प्रकट, इसके लिए शिक्षा होती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे गरीब का हो, अमीर का हो, किसी का भी हो, सबको समान अवसर मिलने चाहिए। क्या पता कहाँ किसकी बुद्धि प्रखर हो जाए, वो अंदर से निकले, प्रादुर्भूत हो जाए। तो इस प्रकार से ऋषि ने बताया कि समान ज्ञान हो दिया जाने पर भी जरूरी नहीं है कि सबका ज्ञान समान। और फिर एक ही दृष्टांत भी दिया, वो दृष्टांत ये है कि सरोवर होते हैं, पानी जिनके अंदर है सरोवर होते हैं, और तीन प्रकार के सरोवर, तीन कैटेगरी के सरोवर होते हैं। कुछ में तो इतना थोड़ा सा पानी है कि मुंह धोना ही मुश्किल से हो जाएगा, रास्ते में जा रहे थे थक गए तो मुंह धो सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। कुछ में इतना पानी है कि कमर तक आ जाएगा, चलो अंदर चले जाओ, पानी कमर तक आ जाएगा, लेकिन तुम डुबकी नहीं लगा सकते। डुबकी जब लगाने लायक पानी होगा तभी वो नहाना या स्नान उसमें होता है। और तीसरा है स्नात्वा हृदा, जो स्नान योग्य हृदय होते हैं, सरोवर होते हैं जिनमें पानी भरपूर होता है और उनको अच्छे से हम स्नान कर सकते हैं। एक में थोड़ा मध्यम, बिल्कुल पानी कम है, एक में मध्यम कोटि का है, एक में अच्छे कोटि का है। जैसे ये तीन कोटियां सरोवर की बताई गई, ठीक वैसे ही तीन कोटि की बुद्धि भी होती है। उत्तम बुद्धि है, किसी की मध्यम बुद्धि है, किसी की हीन हीन कोटि की बुद्धि है। तो ये ज्ञान की बात जब हो रही है तो ये बहुत प्रासंगिक विषय है कि ये ना समझा जाए कि अगर सब लोग पढ़ रहे हैं और अर्थों को समझ रहे हैं तो सब लोग बराबर अर्थों को समझ जाएंगे, ऐसा कदापि नहीं होगा। ऋषि ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। पोटेंशियल जितना अंदर से निकलेगा उसका, समझने वाले का जितना वो मन उसमें लगाएगा, मन की गति लगाएगा, मन का वेग लगाएगा, उतना ही वो ग्रहण कर सकेगा, और ये उसकी उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। अगला जो मंत्र है नंबर 8, उसमें बात कुछ और तरह की हो रही है। हृदा तृष्टेशु मनसो जवेशु, यद ब्राह्मणा संयजंता सखाया, अत्रा त्वं विजहु ओह ब्राह्मणो विचरन्ति उत्वे। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है वो है ओह ब्राह्मणा, और एक छोटा सा चित्रण किया जा रहा है। जो वो पढ़ लिख गए थे गुरुजी से सारे ब्रह्मचारी या विद्यार्थी, अब वो बैठते हैं कभी कभी साथ में और अर्थों को समझने की कोशिश करते हैं, वेद के अर्थों पर बहस करते हैं, डिस्कशन करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। हृदय तृष्टेशु मनसो जवेशु, अपनी मन का वेग भी लगाते हैं, अपना हृदय भी लगाते हैं, और फिर उनको जानने की कोशिश करते हैं। ब्राह्मणा का मतलब है वही जो कि ब्रह्म यानी ज्ञान को, यानी कि मंत्र को, ब्रह्म के तीनों अर्थ ले सकते हैं, ब्रह्म ज्ञान और मंत्र। मंत्र को समझना चाहते हैं या ज्ञान को समझना चाहते हैं या उसके अर्थ को समझना चाहते हैं। तो जब वो सब इकट्ठे होते हैं ऐसे लोग, तो वो
अपने पूरी अपना पूरा मन लगा के अर्थों को समझने की कोशिश करते हैं। अब होता क्या है कि अत्राह बीजहु वेद्याभि, उनमें से किसी एक को वो वेद्य के द्वारा, मतलब समझ जो चल रही थी, समझने की कोशिश हो रही थी उन लोगों में, विद्वानों में, सभाओं में भी यही होता है, आपके डिस्कशन की सभा में भी ये होता है, जो एक है जिसको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, बीजहु, वो उसको छोड़ देते हैं। वो क्या छोड़ देते हैं, वो भी थोड़ी देर में उठ के चला जाता है। उसको अगर समझ नहीं आ रहा तो ऐसे दो तीन उसमें मिलेंगे जो समझ नहीं पा रहे हैं तो उठ के चले जाएंगे, या ये लोग जो बात कर रहे थे, समझा रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, वो उसको छोड़ देंगे कि चलो इसको छोड़ो, अब हम तो आगे बढ़े, हम तो आगे की बात करें। और कहते हैं कि ओह ब्राह्मणा विचरन्ति उत्वे, ओह ब्राह्मण, जो ब्रह्म की जिन्होंने उहा की हुई है, ब्रह्म तो वही शब्द है जो आपको मैंने तीन अर्थ बताया, ब्रह्म, ज्ञान या मंत्र, इस पर जो चिंतन कर रहे थे, ओह माने चिंतन, ओह माने तर्क, ओह माने विमर्श, ओह माने डिस्कशन, तर्क कहेंगे तो तर्क का वो अर्थ ना लिया जाए जो बहस का अर्थ है, मतलब तर्क करना, मतलब विमर्श करना, उसके अंदर गहराई से जाने की कोशिश करना। तो जिन्होंने ब्रह्म पर गहराई से अर्थ करने का क्रम किया हुआ है, कोशिश किया हुआ है, वो है ओ ब्राह्मणा। ऐसे लोग जो बहुत सीरियसली चिंतन में लगे हुए थे, वो आगे निकल जाते हैं और वो उसको छोड़ देते हैं जो कि नहीं समझ में आ रहा, उसको पीछे छोड़ देते हैं। 50 में से ऐसे 10 को पीछे छोड़ देते हैं, 40 लोग आगे बढ़ जाते हैं जो कि समान रूप से अर्थों को समझते हैं। और बहुत बहुत स्वाभाविक चित्रण है, क्लासेस में आप देख लो, बीए, कोई 12वीं के बाद आगे नहीं पढ़ रहा है, कोई आईआईटी तक जा रहा है, कोई यूनिवर्सिटी तक जा रहा है, तो बराबर सब एक बराबर तक नहीं चलते चले जाते, अगर बराबर तक उनका ग्रहण शक्ति होती है तभी चलते चले जाते। तो ओ ब्राह्मणा शब्द जो है उसको मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट शब्द है, जिन्होंने ब्रह्म की ऊहा की हुई है, ऊहा का मतलब चिंतन किया हुआ है, तर्क किया हुआ है। इसको क्यों थोड़ा गौर करने की जरूरत है, क्योंकि मंत्र जो है, मंत्र का अर्थ इतनी सरलता से समझ में नहीं आता है, उसका बार बार उसका विश्लेषण करना पड़ता है, उस पर विमर्श करना पड़ता है, अपने आप में अंदर अंदर विमर्श करना पड़ता है, तो इसको ओह कहते हैं, उहा कहते हैं। और निरुक्त में इसकी इसकी बड़ी प्रशंसा की गई है, तर्क की। एक छोटा सा प्रकरण था जब ऋषि लोगों ने मंत्र प्रकट कर दिए, साक्षात कृत धर्माणा ऋषिया बभु प्रकट कर दिए, उसके बाद अवरेभ्या जो उनसे नीचे की लेवल के ऋषि थे वो मंत्रों को लोगों को पढ़ाते रहे, बताते रहे, मीनिंग समझाते रहे। अब एक समय आया कि उन्होंने भी कहा हमें भी जाना है, हमें भी जाना है धरती से, तो लोगों ने कहा कि लो अब कौन हमें अर्थ समझाएगा, हम अर्थों को कैसे समझेंगे, मंत्र के अर्थों को कैसे समझेंगे। तो वहां पर ऋषियों ने उनको बताया कि आप तर्कम ऋषिम प्रयच्छ, तर्क को ही ऋषि समझना, अब तुम्हारा जो मार्गदर्शक होगा वो तर्क होगा, तुम्हारा विमर्श होगा, तुम्हारा चिंतन होगा, तुम्हारा डिस्कशन होगा, तुम खुद अपने आप अर्थों तक पहुंचने का प्रयास करोगे तभी पहुंचोगे। तो तर्कम ऋषिम प्रयच्छ, तर्क को ही ऋषि समझना, ये बात जो है वो यहाँ से जोड़ी जा सकती है कि जिन्होंने मंत्र की उहा की हुई है, यानी कि जिन्होंने मंत्र को समझने के लिए तर्क को ही एक रास्ता माना हुआ है, विमर्श माना हुआ है, वे आगे बढ़ जाते हैं और बाकी कुछ पीछे छूट जाते हैं। नवम जो मंत्र है वो भी बड़े सुंदर तरीके से कहता है, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं थोड़े थोड़ा, वैसे ही वो वैदिक भाषा में बोल रहा है। इमे ते न अर्वाक न परश्चरन्ति न ब्रह्मणासा न सुते करासा, वो जो रह गए ना पीछे उनकी गति क्या हो रही है, ना तो उन्होंने अर्थों को समझा, ना तो उन्होंने यज्ञ को किया, ना तो वह इधर के रहे ना तो वो उधर के रहे। वो कह रहा है ना ते अर्वाक ना परश्चरन्ति, ना तो वो इधर जाते हैं ना तो वे उधर जाते हैं। अब ये इधर और उधर क्या है, तो भाष्यकारों ने इस पर व्याख्या की कि इधर का मतलब है अर्थों को जानते हैं, ना तो अर्थों को जानने वाले विद्वान बनते हैं और ना कर्म कांड को करने वाले पंडित पुरोहित ऋत्विज बनते हैं। ज्ञान और कर्म दो पक्ष हो सकते थे, तो ना तो वो इधर के होते हैं ना तो उधर के होते हैं,
ना ब्राह्मण आसा, ना तो ब्रह्म को समझते हैं यानी अर्थों को समझते हैं, और ना सुते कर आसा, सुते कर वाले, सुत माने अब सोम अभिषव, सोम को पीसना, उसमें हाथ सने हुए जिनके हैं, जब यज्ञ करते हैं तो खुद ही सोम के रस की तैयारी भी करना पड़ता है, तो उनकी उंगलियां रस में सन जाती हैं, अभिषवण की एक क्रिया है, रस निकालने की क्रिया है, उसमें वो उंगलियां उनकी संलग्न हो जाती हैं, तो ऐसे भी वो नहीं बनते कि रस निकालने वाले, सोमरस की तैयारी करने वाले, यज्ञ करने वाले बन जाए, ना ही वो ऐसे बनते हैं कि अर्थों को समझे, तो ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं, ये उन्होंने कहा। ते ते उनकी गति क्या है, ते एते वाचम अभिपद्य पापया शरी तंत्रम तन्वन्ते अप्रजज्ञा, वो तो अप्रजज्ञी हैं, बिल्कुल ना जानने वाले हैं, दे नो नथिंग। और जैसे कि कोई किसान सीरी को लेकर, सीरी जो कंधे पर एक हल रख लेते हैं और फिर लाइन खींचते हुए चलते हैं, दूसरी बार उसमें बीज डाल देते हैं, तो जैसे वो एक कर्म करता है किसान, सीरीणा जो सीरी लेकर चलता है या कि हल को लेकर चलता है, मतलब कि कोई बौद्धिक कृत्य नहीं है, रोज रोज कर रहा है, उसकी प्रैक्टिस हो गई है, अभ्यास हो गया है, वो एक कर्म हो गया है, बुद्धि कर्म नहीं है, वो शारीरिक कर्म हो गया है। या फिर इसका एक दूसरा मीनिंग है कि जैसे वैदिक संस्कृति भी आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे जोलाहा जो कि कपड़ा बुनता है, वो भी एक छोटा सा वो बना लेता है ना, एक धागा इधर से डाला, एक धागा इधर से डाला, एक धागा इधर से डाला, एक को ताना कहते हैं, एक को बाना कहते हैं, ताना बाना बुनता जाता है और वो चटाई की तरह ऊपर कपड़ा चलता जाता है, तो वो भी एक शारीरिक, बोलता भी है, बातें भी कर रहा है, गाना भी गा रहा है, तो शारीरिक क्रम उसका उसका श्रम है, शारीरिक क्रिया हो जाती है, उसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं लगाना पड़ रहा है। तो जो लोग इस तरह के हैं, दूसरे वाले लोग हैं, ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं, वो शारीरिक क्रम कर श्रमी कर रहे होते हैं। कौन सा शारीरिक श्रम कर रहे हैं, मंत्रों को बोल रहे हैं, तो शारीरिक श्रम कौन सा कर रहे हैं? मेरे ख्याल से वो ये कहना चाह रहा है कि वो सिर्फ जीभ को चला रहे हैं, जीभ को चला रहे हैं, जीवा को चला रहे हैं, जीवा की एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, बाकी वो और कुछ अर्थों को नहीं समझ रहे हैं, ना उससे अर्थों का होने वाला फल प्राप्त कर रहे हैं, तो ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं, ना अर्थ को जानते हैं ना कर्म कांड को जानते हैं, वो तो एक शारीरिक श्रम को करते हैं, जैसे कोई किसान, जैसे कोई जोलाहा, ये यहाँ पर कहा गया है। और हिंदी का जो मैंने कहा था, एक याद आता है मुहावरा, तो जैसे कि हम बोल देते हैं, ना दीन के रहे ना दुनिया के रहे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना भगवान ही मिला ना दुनिया ही मिली, तो वो कुछ किसी उनका कोई अर्थ सार्थक नहीं होता है, उनका प्रयोजन सार्थक नहीं होता है। और इसके विपरीत सर्वे नंदन्ति यशसा आगतेन सभासयेन यशसा सखायः किल्बिषस्पित पितुश्चणी ही एषाम अलम्भितो भवति वाजिनाय। इसके विपरीत जिसको अर्थों का पता है, जिसको अर्थों का पता है और बिल्कुल अगर कहीं पर कोई बात हो रही है तो वो एग्जैक्टली उसी समय बोलता है, वो अर्थ या मंत्र बोल सकता है। आपको ध्यान होगा संस्कृत में एक शब्द बोला जाता है प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति बहुत तेज मति है उसकी, और जब उसको जब बोलना है उस स्थान पर उस मंत्र को कोटेशन को बोलता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है जिसने बहुत अच्छे से समझा हुआ है उस पूरे ग्रुप में से, उसको जब कहीं पर वाजिना होता है, कहीं पर कोई संवाद होता है, कोई चर्चा होती है, कोई अर्थ अर्थ पर बहस की कोई प्रसंग होता है, तो सब लोग उसी को भेजते हैं जो कि इस तरह का स्थिर, बहुत तेज स्थिर पीत होता है, जिसको सब याद है, जब जहां पर जरूरत होगी वहां पर वो फटाक से उस मंत्र को बोलेगा। और फिर वो क्या होता है, वो वापस आता है, जब वापस आता है तो सर्वे नंदन थी, सब लोग खुश होते हैं, क्यों? क्योंकि वो तो उनके लिए पुरस्कार लेकर आता है, क्योंकि वो सभा को सह कर आता है, वो पूरी जो वो ग्रुप होता है उसमें वो जीत कर आता है, जैसे आजकल प्रतियोगिताएं होती हैं और छात्र जाते हैं और जहाँ जो छात्र जीत कर आते हैं सब लोग उसका अभिनंदन करते हैं। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है, सर्वे नंदन थी यशसा गतेन, यश के साथ आता है, सब लोग उसका अभिनंदन करते हैं, सभा सहेन क्योंकि वो सभा को सह कर आता है, सहन करता है, किल्बिषस्पित पितुश्चणि एषाम, वो तो उनके लिए पितुश्चण होता है, मतलब पितु माने अन्न, अन्न को प्राप्त कराने वाला होता है, यानी कि उनके लिए पुरस्कार को लाने वाला होता है, या तो अन्न लाते हैं या तो धन लाते हैं, तो उस समय धन तो होता नहीं था, इसलिए अन्न को पुरस्कार के रूप में लेकर आता है।
और फिर किल्बिश स्पित उनके उनके पापों का नाश करता है, उनके कलंक को। अब सारे ग्रुप की प्रशंसा होती है, खाली उस बालक की नहीं होती, सारे ग्रुप की प्रशंसा होती है कि वाह भाई ये लोग बहुत अच्छे थे, ये पूरी टीम बहुत अच्छी थी, ये पूरा कॉलेज बहुत अच्छा था। तो धीरे धीरे वो पूरे ग्रुप की प्रशंसा होती है क्योंकि उसमें से एक बहुत अच्छा काम करता है। तो इस तरह से ये अर्थज्ञ अनर्थज्ञ वाले प्रसंग में ही चले जाएंगे मंत्र, कि जो अर्थों को जान रहा है उसकी तारीफ होती है और जो नहीं जान रहा उससे नुकसान होता है। और अंतिम मंत्र जो है यहाँ पर 11वां, उसमें कुछ खास इससे इस प्रसंग से नहीं है, लेकिन एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मंत्र हमें कहीं नहीं मिलती है, वो चार ऋत्विजों की हम लोग बात करते हैं कि ऋग चार वेद हैं, उनके चार ऋत्विज होते हैं, अलग अलग चार ऋत्विज होते हैं, उन चार ऋत्विजों का यहाँ संकेत दिया गया है। और अगर ज्ञान सूक्त से इसको जोड़ना है, और जोड़ना चाहिए भी क्योंकि ऋषि ने किया है तो कुछ गलत तो किया नहीं होगा, तो इसका अभिप्राय शायद यही है कि वो जो ऋत्विज है वो चार प्रकार के ज्ञान को प्रतिनिधित्व करने वाले पुरोहित या विद्वान होते हैं। क्या करते हैं? ऋचाम त्वं पोषमास्ते पुपुष्वान, जो पहला ऋत्विज होता है ऋग्वेद का ऋत्विज, वो ऋचाओं की पुष्टि को करता हुआ बैठता है। ऋचाओं से उसका संबंध है, वो सारी ऋचाएं उसको याद है, उनके लिए बैठा रहता है, जहां जरूरत होती है यज्ञ में वहां पर उनका वाचन करता है, उनका गायन करता है। गायत्रम तो गायति शक्कुरीषु, शक्कुरी में जहां जहां गायत्र को गाना होता है वो वहां पर गाता है। दैट इज सेकंड नंबर उद्गाता, ये सामवेद का ऋत्विज है। जो जहां गाने योग्य शक्कुरी या गायत्र छंद आएंगे, सामवेद के मंत्र आएंगे, उनका वो गान करता है। और ब्रह्मा तो वदति जात विद्या, तीसरा ब्रह्मा नाम का ऋत्विज है जो कि अथर्ववेद से जोड़ा जाता है, लेकिन वो चारों वेदों के को जानता है। जहां जाते जाते विद्याम भव, जहां जाते पद पद पर कुछ होती है उसको वो नोट करता है और फिर बताता है कि यहाँ पर आपने गलत किया। ब्रह्मा नाम का ऋत्विज का ये कार्य है। अथर्ववेद तो यजुर्वेद का ऋत्विज है जो यज्ञ के शरीर का निर्माण करता है। तो ये चार ऋत्विज यहाँ पर हमें अंत में बता के 11 नंबर तक ये पूरा सूक्त संपन्न होता है। इस प्रकार इसमें हमने देखा कि ज्ञान यानी कि मंत्रों के अर्थों का ज्ञान, खाली सिंपल ज्ञान भी ले सकते हैं लेकिन प्रसंग है मंत्रार्थ ज्ञान, वेदार्थ ज्ञान, वेदों के अर्थों का ज्ञान। एक बहुत बड़ी बहस है कि वेदों के अर्थों का, जो मैंने स्कॉट्स की बताई उसको काटते हुए यहाँ पर कहा गया कि नहीं, आप देखो वेद वेद के थोड़े समय बाद ही निरुक्तों में निरुक्त में ये बात शुरू हो गई, उसका खंडन करा और वेद तो स्वयं खंडन कर ही चुका है। और यही रीजन था कि अर्थों को समझने का बाद में प्रयास किया जा रहा है और हम भी सब लोग कर रहे हैं और इतने भाष्यकार हुए, इतने युगों युगों से लोग लिख रहे हैं उसके अर्थों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितना भी समझ पा रहे हैं समझ रहे हैं, लेकिन प्रयास में रत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद मैडम जी, बढ़िया प्रकरण रहा। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा था कि ज्ञान सूक्त को ऋग्वेद का हम हृदय मानते हैं, क्योंकि सूक्त में वेद मंत्रों को पढ़ते हुए अर्थ समझने की ओर हमें प्रेरणाएं मिलती हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि अगर हम केवल वेद मंत्रों को पढ़ते रहते हैं या केवल वेद मंत्रों को रटते रहते हैं और कर्मकांड आदि में उसका विनियोग करके समय बिताते हैं, तो अधेन्वा चरति माय यैषा, जैसे मैडम जी ने कहा, तो निरर्थक हमारा ही वो सारा प्रयत्न रहता है। जैसे नकली गाय लेकर के दिन भर व्यस्त रहने वाला व्यक्ति या वंध्या गाय की सेवा करने वाला व्यक्ति जैसे दूध आदि से वंचित रहता है और बछड़ों से वंचित रहता है, तो इस प्रकार स्थिति है। तो मैडम जी ने बढ़िया ही प्रसंग को रखा और ये सूक्त समय के मतलब हमें हम समय पर्याप्त नहीं दे पाए, नहीं तो एक एक मंत्र की व्याख्या मैडम जी करती हैं और हमें और भी बड़ा आनंद आता। कभी भविष्य में इस सूक्त पे विस्तृत अध्ययन करेंगे। जो श्रोता लोग उपस्थित हैं और जो शास्त्र के ज्ञाता हैं, उन सबसे निवेदन है आप अपने अपने विचार
रखें और आपने प्रश्न रखें ताकि विषय और अधिक स्पष्ट हो सके। सभी से निवेदन है, सभी आप प्रश्न रखें, एक एक प्रश्न, 5-7 मिनट है हमारे पास, इसका लाभ हमें मिले। मैं पूछ सकती हूँ प्रश्न? हाँ निश्चित, निसंकोच पूछे। सबसे पहले तो शशि तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छे से ये कोई भी सूक्त की व्याख्या करते हैं, बहुत अच्छे से वो शिष्य को या श्रोता को बहुत अच्छे से समझ जाता है। मेरा ये प्रश्न था कि जैसे ये जो झाड़फूंक करते हैं गांव में, कई बार बचपन में हम लोगों को की माँ लोग कहती थी कि भाई नजर लग गई बच्चे को, झाड़फूंक करके कोई काका चाचा आके वो फूंकते थे ऐसे कुछ कुछ मन में बोल के और ऐसे बच्चे पर फूंक लगाते थे, क्या उनका कहीं इस तरह से ये मंत्रों से संबंध है? क्या उन्होंने अपने परिवार में किसी से वो ज्ञान लिया होगा, क्या ऐसा संभव है? एक तो मेरा ये में हमने पढ़ा था कुछ परी पूर्वरी इत्यादि जो निरर्थक मंत्र होते हैं वो उनका भी प्रभाव होता है, तो ये दो प्रश्नों का मैं जानना चाह रही थी। उत्तर हो सकता है कोई और इसमें जो श्रोता लोग रहे हो उनको भी ये अनुभव रहा हो कि बचपन में उनको भी या देखा हो कि बच्चे को ऐसे झाड़फूंक करते हैं, तो क्या इनका कहीं वैदिक मंत्रों से संबंध है? धन्यवाद। शशि मैडम जी आप देखिए प्रश्न आपके समक्ष है। हाँ जी शशि मैडम जी प्रश्न दो आपके समक्ष है। शशि मैडम का माइक ऑफ है। मैडम जी अनम्यूट कर दीजिए। माइक ऑफ था सॉरी। ठीक है, आशा जी ने जो प्रश्न किया है उसमें मुझे सिर्फ ये कहना है कि अगर मंत्र का कोई मीनिंग नहीं है, कोई अर्थ नहीं है और वो भगवान के लिए नहीं है, किसी के लिए नहीं है, तो उससे कुछ नहीं लाभ हो रहा है, लाभ वो कुछ और कर रहे हैं उससे हो रहा है, जो झाड़ फूक इत्यादि में कुछ और कर रहे हैं उससे हो रहा है, ऐसे मंत्र का कोई लाभ नहीं। हमारा वेद तो हमें यही बताता है। अब रहा ये कि जैसे मंत्र छोटे छोटे होते हैं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, इसका दिन भर कोई जाप करेगा तो भगवान का नाम याद कर रहा है, तो इसका इसमें तो सार्थकता है, या राम 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 की राम राम करता है दिन भर तो उसमें सार्थकता है, उसका लाभ होगा। तो ये बिना अर्थ वाले मंत्रों का या किसी वाक्य का लाभ कैसे हो सकता है? एक जरभरित साबर मंत्र हुआ करते थे, तो साबर मंत्र हुआ करते थे जिनका वो लोग झाड़ फूंक में प्रयोग करते थे ऐसा लगता है। अच्छा, उनसे लाभ होगा? तो वो एक दूसरी परंपरा है अपनी वैदिक परंपरा से हट करके, उसे लाभ होता है। तंत्र शास्त्र तंत्र में मिला हुआ है, तंत्र शास्त्र, तंत्र शास्त्र में है साबर मंत्र बताए गए हैं, लाभ होता होगा जरूर क्योंकि समाज में प्रचलित थे काफी और शास्त्रों में मिलते हैं। अथर्ववेद में कृत्या प्रतिहरण का जो प्रकरण है वो इसी संबंध में ही है। जी 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 बिल्कुल। नहीं, इसमें एक विवाद है, जो कृत्या हरण आदि प्रकरण है अथर्ववेद का जो स्रोत सूत्र है उन स्रोत सूत्रों में ये गल